ये चौथा सवाल भी हाँ, एक पहलू जो मैं बयान करना था वो इल्जामी जवाब जो मैं दिया करता हूँ। यूरोप अजीब अजीब भेषों में सवाल कर मगर अजीब शराफत के लिए बाजे ओढ़ के सवाल करता है, उनको ये तो नजर आ जाता है कि अगर एक से ज्यादा औरतें हों तो पहली बीवी की दिल शिकनी होगी, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि इतनी बेहयाई है कि एक शादी की एक औरत को रखकर उसके हकूक अदा करके उसके साथ ताल्लुक कायम करना तो उनको वहशत और बर्बरियत दिखाई देती है, मगर शादीशुदा औरत हो या गैर शादीशुदा हो मुआशरे में हर तरफ बेहयाई आम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है, एक दफा हमारे कॉलेज में एक बहस हो रही थी, इसी तरह लड़के उनको आदत है ऐसे लगन सवाल करके इस्लाम से लोगों को बजन करने की कोशिश करते हैं, तो एक लड़के ने अपनी तरफ से बड़े तंस के साथ एक मुसलमान से पूछा कि सुना है तुम्हारी चार माएँ होती हैं, तो उसने कहा कि मैंने सुना आपके फोर फादर्स होते हैं, तो लफ्ज़ फोर फादर्स पर एक बड़ा अच्छा पन था कि हमारी चार माएँ हैं तो तुम्हारे चार बाप होते हैं ये इससे भी ज़्यादा, तो उस तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती। हर जंग के बाद एक से ज़्यादा शादी ना करने के नतीजे में इनके मुआशरे पहले से ज़्यादा गंदे हुए हैं। ये मैंने अपनी किताब जो है इस्लाम रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी इशूज उसमें तफसील से इस बात को बयान किया है, अगर बाकी बातें पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए।